भाई साहब, इस साल की हॉन्टेड हॉरिफाइंग मूवी 8 मार्च यानी शिवरात्रि को यानी परसों को रिलीज हो जाएगी, कौन सी? शैतान, जिसकी हाइप बिल्कुल भी नहीं है इस समय। और इसकी एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है? डे वन के लिए क्या कलेक्शन कर सकती है? नेशनल चेन्स में क्या हाल है? कौन सी मूवी को ये टक्कर दे रही है? और भी क्या बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले एक बार वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो भाई साहब, शैतान की बिल्कुल भी हाइप नहीं चल रही है। जहां हिंदी 2D से अगर इसकी बुकिंग देखें तो 1,25,82,000 का एडवांस बुकिंग सिर्फ हिंदी 2D से ले रखा है अभी 2 दिन पहले से, जहां इन्होंने 53,252 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। हिंदी आइस वर्जन की बात करें तो 47,130 का कलेक्शन वहां से ले लिया है, जहां 80 टिकट ही इन्होंने बेचे हैं। टोटल ऑल इंडिया की बात करें अभी तक कितने इन्होंने टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं और कलेक्शन कर लिया है, तो 1,26,00,000 का कलेक्शन वहां से देखने को मिला है, जहां टोटल टिकट 53,332 ये सोल्ड आउट कर चुके हैं। और टोटल शो जिनके खाते में अभी आए हैं 5,810 शो अभी तक टोटल इनके खाते में आ चुके हैं, जो फिलहाल अभी उतने अच्छे शोज नहीं है, क्योंकि मार्च में बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आने वाली है। बड़ी बड़ी तो फिलहाल नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सी मूवीज आने वाली है, ना कि सिर्फ OTT पर बल्कि थिएटर्स में भी फुल रश चलने वाला है, जहां बॉलीवुड की ही ढेर सारी मूवी है, फिर उसके बाद साउथ से अलग चल रहा है पंगा। तो शैतान अपना हक का कलेक्शन ले पाएगी नहीं ले पाएगी? फिलहाल जिस हिसाब की अभी हाइप चल रही है, उस हिसाब से लग नहीं रहा है कि उतना ज्यादा कलेक्शन हमें देखने को मिल जाएगा जैसा कलेक्शन हम पिछले साल तक देखते आ रहे थे। फर्स्ट डे में 100 करोड़ की ओपनिंग, 200 करोड़ की ओपनिंग, ये वो वगैरह वगैरह। नेशनल चेन्स में क्या हाल है भाई साहब? तीनों नेशनल चेन्स की बात करें तो PVR, INOX एंड सिनेपोलिस को मिलाकर 22,500 टिकट ये वहां सोल्ड आउट कर चुके हैं, जहां PVR INOX से कलेक्शन है 17,000 टिकट एंड सिनेपोलिस से है 5,500 टिकट। तो क्या ये वहां पर फाइटर मूवी के रिकॉर्ड को भी तोड़ डालेगी, या फिर गदर 2 के? बहुत सी मूवीज हैं जो 1,00,000 से ऊपर का कलेक्शन नेशनल चेन्स में लेकर बैठे हैं डे वन की ओपनिंग के मामले में। अगर कंपैरिजन सेट करें तो फाइटर जो अभी रिलीज हुई है ताजी ताजी, उसने 23 करोड़ की ओपनिंग ली थी अपने डे वन पर, जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये हाइप उसके लायक नहीं है। लेकिन भाई शैतान के उससे भी बुरे हाल होंगे ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था। अजय देवगन की ही दृश्यम 2 की बात कर लें तो उसमें अच्छा खासा कलेक्शन था, नहीं था वो बताऊंगा, 5,09,00,000 का कलेक्शन डे वन के लिए गया था। तो शैतान मूवी कितना कर सकती है भाई? अभी 1,26,00,000 के आसपास कलेक्शन है, तो मोटा मोटा अभी कल के लिए भी बुकिंग बची है, कल फुल डे बुकिंग चलेगी, तो मिनिमम भाई डे वन के लिए 6 से 7 करोड़ की एडवांस बुकिंग ले सकते हैं, बहुत मिनिमम स्केल पर देखें। और डे वन की ओपनिंग कितनी हो सकती है? 15-14 करोड़ के आसपास। आप लोगों की क्या राय है कि डे वन के लिए कितनी ओपनिंग हो सकती है और लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है? भाई साहब, जिस हिसाब से अगर ये रहा और शैतान मूवी की कलेक्शन या फिर ग्रोथ वहां से बढ़ जाएगी जब इसकी रिव्यू आना शुरू हो जाएगा, फर्स्ट डे रिव्यू जैसे ही आउट होता है और पॉजिटिव रिव्यू अगर इसे मिल गए, तो नो डाउट ये मूवी 150 से 200 करोड़ या 250-300 करोड़ भी इजीली कमा जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब की हाइप है, 100 करोड़ कवर अप कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसा क्या होगा, मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।